नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कविता ध्वनि करेंगे, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बच्चों, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिख दिए हैं, आप कृपया बोर्ड से शब्दार्थ उतारें और उनको याद करें। कविता एक, कविता का नाम ध्वनि, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और शब्दार्थ आपके वहाँ लिखे हुए हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। आप सभी को मुझे आशा है कि किताबें मिल चुकी होंगी, तो वहां से आपने ये लिखने हैं। अब मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ और साथ साथ में इसका सरलार्थ व भावार्थ करवाती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियां कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात अभी अभी मेरे जीवन में नया वसंत आया है। वसंत का यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ है कि कवि के जीवन में अभी नई खुशी आई है, नया उल्लास आया है, नई उमंग आई है, इसलिए कवि अपना अभी अंत करना नहीं चाहता। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। कवि कहता है कि जैसे बसंत ऋतु आने पर प्रकृति हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में जो बसंत या खुशी आई है, उससे मेरे पूरे शरीर में मेरा शरीर कोमल हो गया है और हाथ पांव में नई ऊर्जा शक्ति आई है, अर्थात मैं आपको ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। मैं ही अपना सौपन मृदुल कर, कवि कहता है कि मैं उस ऊर्जा के सहारे, उस नई शक्ति के सहारे अपने सपनों को साकार करके फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक पट्टूस मनोहर। जितने भी संसार के नवयुग सोए हुए हैं उनको जागृत करूंगा जगह एक, और उनके अंदर एक नई स्फूर्ति जगाकर पट्टूस मैंने सवेरा मनोहर मैंने मन को हरने वाला, उनको एक ऐसे सवेरे के दर्शन कराऊंगा जो मन को हरने वाला होगा, अर्थात अपने समाज के प्रत्येक नवयुवक में नई क्रांति का, नए जोश का संचार करूंगा, ताकि वे उठें और समाज के कल्याण कार्यों में अपना योगदान दे सकें। यहाँ कवि अपने आप में ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को साथ लेकर समाज का नव निर्माण करना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस लाल साखी से तंद्रा आलस लाल सा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। कवि कहता है कि पुष्प पुष्प मैंने एक एक इंसान से, पुष्प में यहाँ इंसान का प्रतीक है, एक एक आदमी का प्रतीक है, तंद्रा लस मैंने उनकी जो आलस से अलसाए हुए हैं, लालसा मैंने उनके अंदर कामना इच्छा या चाह भर दूंगा अपने नव जीवन का अमृत। जैसे मैंने अपने जीवन का नव निर्माण किया है, वैसे ही मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के नव निर्माण करूंगा, अमृत से हर्ष सींच दूंगा और उनके अंदर नई ऊर्जा भर दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको हैं मेरे वे जहां अनंत। कवि कहता है कि मैं संसार के प्रत्येक प्राणी को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। अनंत यहाँ परमात्मा परमपिता परमात्मा है। कवि कहता है कि मैं न केवल उनके अंदर नई ऊर्जा से समाज कल्याण का कार्य करवाऊंगा, अपितु उन्हें परमपिता परमात्मा के दर्शन भी करा दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं या संसार के प्राणियों को जगाना चाहते हैं कि हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि समाज कल्याण के कार्यों के में लगा रहना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ, नई उत्साह के साथ अपने समाज हित कल्याण में अपना योगदान देना चाहिए।